ये देखो, ये हमने नॉन वेज के कबाब और वेजिटेबल कबाब दोनों एक साथ बनाए इसमें, ठीक है। वेजिटेबल कबाब में मैंने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च मिक्स किया था और बीफ मिक्स करा था, ठीक है। और बीफ के सेपरेट कबाब भी बनाए इसमें। अभी ये ब्राउन रेड सारे प्रॉपर हो गए, देखो तड़ तड़ भी हो गए, तले भी गए। ये देखो ये नॉनवेज वाले, ठीक है, ये बीफ के कबाब है, ये इधर के जो है, ये ठीक है, ये नॉनवेज के ओनली गोश्त के कबाब है बीफ के, और ये वेजिटेबल वाले ये है। इसमें मैंने पत्ता गोभी, शिमला और गाजर मिक्स किया था, तड़ तड़ भी हो रही है। अब इसको पला पलटा मैडम, इसको पलटाने के लिए इस स्पून लेना। ट्यूजर से पलटा, ब्राउन भी हो गए और जैसे ही हवा लगेगी तो ये और कड़क हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक साइड से नहीं हुआ ना? नहीं, अभी हवा लगेगी ना तो और हो जाएंगे, वेजिटेबल्स वाले थोड़े टूटे हैं ना, और कड़क कर दूं क्या? नहीं, एक साइड से, जैसा अभी ये साइड से अच्छी हुए तो वैसे ये साइड से नहीं हुए ना? नहीं तो और करना है तो आप इसको 4 मिनट दे सकते हैं ग्रिल, पलटा कर। हाँ, पलटा कर, ठीक है। दोनों तरीके के एक ही साथ बना लिए हमने, चिकन वाले भी और वेजिटेबल भी। ये चिकन वाले बड़े के गोश्त के बनाए, ये वेजिटेबल है।